जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों इस समय हम हैं असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज मैं आपके लिए असम राइफल की तरफ से आई हुई एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। तो असम राइफल में दोस्तों जो रिक्रूटमेंट के इच्छुक हैं, जो भर्ती होना चाहते हैं, जो बच्चे, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि असम राइफल की तरफ से दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आपके लिए भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने ओपन कर लिया है और इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे डिटेल में दिया गया है इस भर्ती से संबंधित ए टू जेड जानकारी। तो इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि छोटी सी वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर करना नामुमकिन है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इस भर्ती से संबंधित जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में 100% क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बता दें कि ये जो वैकेंसी हैं वो ऑल इंडिया के लिए हैं, लेकिन इसमें स्टेट्स वाइज जो है वो और ट्रेड वाइज वैकेंसीज को अलॉट किया गया है। मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए अलग से जो है वो वैकेंसीज के लिए अलॉट किया गया है। आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको अलग वैकेंसीज जो है वो अलॉट की गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज स्टेट वाइज दी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा और 6 जून 2022 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई 2022 23:59 यानी कि रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक इसके जो है वो नोटिफिकेशन अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। ठीक है, तो 6 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 23 साल होगी और आपकी जो कट ऑफ डेट होगी वो 1 अगस्त 2022 होगी। आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 1999 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2004 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर आपके फिजिकल की। तो यहाँ पर ट्रेड वाइज दोस्तों जो है वो फिजिकल दिया गया है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर। अगर आप नायब सूबेदार डायरेक्ट भर्ती होना चाहते हैं रिलीजियस टीचर तो दोस्तों आपका जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर होगी, नॉर्मल आपका जो चेस्ट होगा वो 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से दोस्तों इसमें दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड PST फॉर नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड ओनली। तो इसके लिए दोस्तों आपका सेम वही है, इसमें फीमेल के लिए भी है और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि मेल और फीमेल ये दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोस मेंशन बिलो, यहाँ पर जो दिया गया है इनको छोड़कर आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंडेड होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हवलदार क्लर्क की वैकेंसीज हैं। तो हवलदार क्लर्क में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर मेल को, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 और एक्सपेंडेड 82 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर राइफलमैन। ठीक है, जो असम राइफल में पैरामेडिकल फीमेल ओनली के लिए है केवल, ये उनके लिए जो यहाँ पर PST होगी फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट होगी दोस्तों आपकी 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं स्टेट वाइज अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसीज की डिटेल। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले लेता हूं। चलिए, अब आप देख सकते हैं यहां पर स्टेट वाइज जो है वो वैकेंसीज की डिटेल दी गई है, कौन से स्टेट को कितनी वैकेंसी जो है वो अलॉट की गई हैं। मैं पहले ही बोल रहा था बहुत सारे ट्रेड वाइज और स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड वाइज आपकी कास्ट हो गई और यहाँ पर आपका ट्रेड हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेड वाइज टोटल वैकेंसीज दी गई हैं और आपके स्टेट के हिसाब से, जैसे कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं तो आंध्र प्रदेश के लिए हवलदार क्लर्क की ओनली 22 वैकेंसीज हैं, जो कि कास्ट वाइज का डिस्ट्रीब्यूशन इसका यहाँ पर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया गया है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, असम राइफल, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद में आपका दादर एंड हवेली, दिल्ली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत सारे राज्य, सभी की डिटेल में ये वैकेंसीज दी गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टेट में, अपने ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, मतलब आपकी जो
क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सबका, यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है वो भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही है, तो इसके लिए मैं आपको सरकारी रिजल्ट पे दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल में जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवलदार क्लर्क के लिए 10+2 पास होना चाहिए, उसके बाद में दोस्तों आपका 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग दोनों में से किसी में होनी चाहिए। हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन 10+2 पास होना चाहिए, उसके बाद में राइफलमैन आर्मर हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल किस किस के लिए होना चाहिए, राइफलमैन आर्मर, राइफलमैन बारबर, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, उसके बाद में राइफलमैन वॉशरमैन, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, नायब सूबेदार के लिए आपकी जो वो होगी आपकी बैचलर होना आपके पास में जरूरी है, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास में, तभी आप नायब सूबेदार, रिलीजियस टीचर और रोड और ब्रिगेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये स्टेट वाइज वैकेंसीज की डिटेल है जो कि यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।